यहाँ पे कौन मेरा जैसा है जिन्हें पनीर खाना बहुत पसंद है। अगर पनीर बहुत पसंद हो तो ये पालक पनीर वाली रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आप घर के अंदर बना सकते हो, वो भी 3 सिंपल से मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो पानी डाला, उसके अंदर पालक डाली और उसको अच्छी तरह से हम लोग पका लेंगे। और जैसे ही पालक पक जाए हम उसको साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ना है, गरम गरम मिक्सी के अंदर पीसना नहीं है, अदरवाइज आपकी जो मिक्सी है वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे पालक ले लिया और उसके बाद उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली, गार्लिक और धनिया डाल के उसकी अच्छी सी एक प्यूरी बना लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने बहुत सारे खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास जो हो वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने यूज़ करे वही आपको यूज़ करना है, लेकिन उसको स्किप मत करना, वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। और ज़ीरा और ऑनियन डाल के उसको अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। और उसके बाद हमें उसके अंदर डालनी है प्योरी, और जैसे ही आप प्योरी डालो उसको थोड़ा सा ढक के रखो ताकि आपकी जो प्योरी है वो अच्छी तरह से पक जाए, और स्लो फ्लेम पे रखना ताकि वो नीचे से जले ना। अगर नॉनस्टिक पैन यूज़ करो तो इट्स फाइन, आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आप पैन यूज़ करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपकी प्योरी थोड़ी पक जाए, बबल आना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर नॉर्मल से घर के जो 3 टाइप के मसाला है ना वो डाल देंगे, जिसके अंदर मैंने धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी यहाँ पे पानी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कौन सी चाहिए, थिक या फिर लाइट। और मैंने यहाँ पे पनीर के जो क्यूब्स थे उसको गरम पानी के अंदर भिगो के रखे थे ताकि वो सॉफ्ट थे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग फ्राई करके यूज़ करते हैं, जैसे आप फ्राई करोगे वो है ना थोड़ा सॉगी सा हो जाएगा, अगर आप ऐसा यूज़ करोगे ना तो वो सॉगी नहीं होगा और वो सॉफ्ट भी रहेगा, नेक्स्ट डे तक भी वो ऐसे ही सॉफ्ट ही रहेगा। सो लाइक करना, शेयर करना और मुझे फॉलो ज़रूर करके जाना। थैंक यू।